एक ओर कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की आड़ में शराब के अवैध कारोबारी जमकर चांदी कूट रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके का है, जहां आबकारी विभाग ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। दरअसल आबकारी पुलिस के CI अरविंद खींची ने मुखबिर की सूचना पर बिशनगढ़ गांव में एक ढाबे पर दबिश दी, जिसमें ढाबे से अंग्रेजी शराब की 8 पेटियां बरामद हुई। वहीं ढाबे से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर भी दबिश दी गई, जहां से छत्तीसगढ़ निर्मित 70 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। यह शराब पंजाब और छत्तीसगढ़ से लाई गई थी। वहीं पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। ये जयपुर दिल्ली हाईवे पे अवैध मदिरा की बिक्री की मुखबिरी थी, जिसकी कार्रवाई अल सुबह ही आज हमारे टीम के द्वारा की गई है, जिसमें हमने राजस्थान निर्मित लगभग 10 पेटी बरामद की है और एक दूसरी जगह उससे करीब 200 मीटर दूरी देवीलाल मीणा के कब्जे से लगभग 80 पेटी HR रॉयल क्रेजी रोमियो 4 सेल इन छत्तीसगढ़ बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। कितने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं? 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एक तो 10 पेटी जो राजस्थान निर्मित मदिरा है उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है नवरत्न मीणा पुत्र श्री जगदीश मीणा। एक जो HR है, जिसमें 4 सेल इन छत्तीसगढ़ क्रेजी रोमियो है, उसमें हमने देवीलाल मीणा छाजूराम मीणा को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई अभी जारी है।